बेसिक इंग्लिश के तहत आज हम लोग सीखेंगे आई वी यू ही सी इट दे। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग आई। आई आई का अर्थ होता है मैं। क्या होता है? आई का अर्थ होता है मैं। आई का अर्थ होता है मैं। चलिए आई पढ़ेंगे। आई 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 का अर्थ होता है मैं। अगला जो है वो आ रहा है ये, इसको डब्लू ई, इसको पढ़ते हैं हम लोग वी। क्या पढ़ते हैं? वी। और वी का अर्थ होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे वी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वाई ओ यू, इसको पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू। और इसका अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग। सेंटेंसेस में आप इनका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम अमीर हो, यहाँ पे यू लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा यू। नेक्स्ट है एच ई, ही पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? ही। और ही का अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। और ही का प्रयोग हम लोग पुरुष जाति के लिए करते हैं। जैसे कोई मेल है तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने फादर के लिए, अपने ब्रदर के लिए ही का प्रयोग कर सकेंगे। चलिए ये सभी प्रोनाउंस जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। सेंटेंसेस की शुरुआत इनसे होती है। सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। चलिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। अब देखो यहाँ पे आ गया एस एच ई, इसको पढ़ते हैं हम लोग सी। क्या पढ़ते हैं? सी। और सी का अर्थ होता है वह। और वह जो होता है वह स्त्री के लिए होता है, ठीक है। अपनी माँ के लिए, अपने सिस्टर के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी, सभी प्रोनाउंस इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट का रोल करते हैं और बिना इनके सेंटेंस आप लिख ही नहीं सकते हैं। अब देखिए इट, आई टी, इसको पढ़ेंगे हम लोग इट। इट का अर्थ होता है यह, और यह जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है जिसमें जान नहीं होती है। निर्जीव वस्तु जो होती है उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी प्रोनाउंस को जान लेना, सीख लेना ज़रूरी है। सेंटेंसेस बनाने में ये काम आते हैं। अब देखिए टी एच ई वाई, इसको पढ़ते हैं दे। क्या पढ़ते हैं? दे। दे का अर्थ होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग, ठीक है। ये प्लूरल प्रोनाउन है, इनके साथ जो भाव आते हैं वो प्लूरल आते हैं। तो देख का अर्थ होता है वे लोग। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।